तुम्हें मेरी खरीदी हुई फर्स्ट कार का नाम पता है क्या रखा था मैंने? याद है? That is what we pay for. अरे याद ही नहीं, वो कितने के मिले? ओह, कितना पैसा है, कुछ भी उठा लेते क्या? भास्कर का पूरा चेहरा उतर गया सुनते। थिंक वो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं। हमारे शो के जज पधार चुके हैं। सॉरी शक्तिमान, पर कोई कदर ही नहीं है यार। फिर मैंने कुछ ऐसा लेकर आया उसके लिए जो देख कर उसका दिल पिघल गया। वाओ। Hey everyone, welcome to the third weekly rap video. चैनल के 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में आज सुरभि निकली है शॉपिंग करने के लिए। फटे से पैसे खर्च करने वाली हो ना तुम? We've come to Gilroy Premium Outlets. But we are not doing any kind of premium shopping. We are just going to Gap and Old Navy to get some regular घर के भी नहीं, थोड़े regular kind of clothes. Okay. And thank you so much for all the messages and comments पिछले वाले वीडियो पे। बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कुछ फ्रेंड्स के, एंड देन कमेंट सेक्शन में तो ऑब्वियसली काफी सारे लोगों ने बहुत कांग्रेट्स वगैरह बोला। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। फिर भी हम लोग 38 माइल्स ड्राइव करके आए हैं, तुमको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। प्लीज लिया ना तो मैंने उधर एक चीज ली 38 माइल्स ड्राइव करके, एक चीज तो जा रहे ना वापस। यार बहुत सही है, 99 सेंट में चप्पलें मिल रही, क्या बुरा है। मॉल का एरिया इतना बड़ा है कि एक दुकान से दूसरी दुकान जाने के लिए ड्राइव करके जाना पड़ता है। तुम्हें मेरी खरीदी हुई फर्स्ट कार का नाम पता है क्या रखा था मैंने? याद है? गोपाल। ये कार का नाम भी मैं उसी की याद में गोपाल रखना चाहता हूँ। एकदम मस्त है मैडम। ये सामने से सदी सुरभि ने एक डिसीजन लिया आफ्टर ट्राइंग लाइक 100 पेयर्स। पेन स्टेट में मुझे रिसर्च असिस्टेंट मिल रहा है। पेन स्टेट में मुझे आरे मिलने के बाद में मैंने ऐसी एक टाइम पास कार खरीद ली थी, होंडा एकॉर्ड, जो यहाँ पर आकर बेच दी। वो एकॉर्ड का नाम मैंने रखा था गोपाल। और अगर जतिन या मानसी, जो मेरे पेन स्टेट में, जिन्होंने शायद गोपाल में मेरे साथ उतना ही राइड किया जितना कि मैंने चलाई थी वो, इफ दे आर वॉचिंग दिस दे विल रिलेट टू दिस। मुझे रियलाइज हुआ कि ये वाली कार लेने के बाद में हम लोगों ने इसका कुछ नाम ही नहीं रखा। तो आज इस कार का नामकरण हो रहा है और आज इस कार को हम लोग नाम दे रहे हैं फिर से गोपाल, इन द लविंग मेमोरी ऑफ द कार दैट आई सोल्ड आफ्टर मूविंग टू कैलिफोर्निया। थर्ड कार आएंगी, उसका भी नाम तुम गोपाल ही रखो। कौन सी थर्ड कार? ये तो जा रही ना। अभी ये जा रही है तो मुझे बहुत ऐसे दुख हो रहा है कि इसका नाम ही नहीं रखा था कभी। गोपाल नाम का एक और फायदा है कि उसमें ओपी इनबिल्ट है। गोपाल ओपी लिखने की जरूरत ही नहीं है। वेलकम टू द फैमिली गोपाल। आई मिस यू गोपाल, वी लिव मी गोपाल। इस लेवल के नाटक आज तक कभी नहीं देखे मैंने। ये स्टोर से यहाँ जाने के लिए भी सुरभि बोल रही है ड्राइव करके लेकर चलो। यहाँ नहीं है, वो आगे है। मैं बताता हूँ कितना दूर है, 5 सेकंड की भी ड्राइव नहीं है। देखो यहाँ पे थे अभी हम लोग एडिडास में। ये आ गया सनग्लास हट। सुरभि कितना देर चले अपन लोग? अरे पैदल चलते तो और टाइम लगता ना। सुरभि अभी मुझे ले जा रही है सबसे महंगे स्टोर में। मैं आज तक इतने महंगे स्टोर में कभी घुसा नहीं हूँ। तो जाके देखते हैं, तुम्हें पता है अपन कुछ खरीदने नहीं वाले। सारे कपड़े इतने बड़े बड़े सीके सीके लिख के रखा हुआ है, कौन क्यों लेगा कोई। ये क्या रखा है, पापड़ है? ये वाला लो ना, कितना सही है देखो, $70। इसमें $70 जैसा क्या है? और हर कपड़े पे बड़े बड़े इसमें अपने ब्रांड का नाम लिख दिया रहता। फिर भी I don't think you're gonna buy anything from here. Let's just leave. तो दोस्तों ये मॉल में है 145 स्टोर। तो दोस्तों तो गाइस इस मॉल में है 145 स्टोर, जहाँ पे मिलते हैं आपको बहुत अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स। दे आर स्टिल एक्सपेंसिव। तो सुरभि ने जो शूज खरीदे उनका प्राइस था ओरिजिनल $70, राइट? अरे याद ही नहीं, वो कितने के मिले? 40. ओह, कितना पैसा है, कुछ भी उठा लेते। क्या 40% ऑफ है? करो हिसाब, मुझे बहुत इंजीनियरिंग की ना। क्या $40 वगैरह के होंगे ना? हाँ, पूरा सुरभि ने मचा दिया है। हर दुकान से कुछ ना कुछ उठाया, हर दुकान से कपड़े खरीदे और एक जूते खरीदे, बस इनसे मांग के नहीं ले। ओहो, बड़ी बड़ी बात है। अभी जारेड में लेके जाऊंगा और वहाँ पे अंगूठी दिलाऊंगा वगैरह बता रहे। मैं अंगूठी सिर्फ बटुक भाई से लेता। बटुक भाई, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटी अगेन। कपड़ों में कैसा अर्ली एक्सेस रहता है, शॉपिंग टुगेदर इज सो मच बेटर। ये लोग कभी अपनी वाइफ के साथ नहीं गए शायद शॉपिंग करने के लिए। दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी ज्यादा धूप नहीं है जो आपको चश्मे पहनने पड़ रहे अंदर दुकान के? नहीं, वो मेरा स्टोर है, वो तुम नहीं कह रहे।
सुरभि को मैंने बोला बैग दिखाना, बोलती वो मेरा स्टोर है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। अरे फिर सब सेम कपड़े हो जाते हैं, इसलिए बेस्ट है सिलवा लेना कपड़े खुद से। टेलर को बोलना ये कपड़े पे लिख देना है कि ये शर्ट मेरा है, ये पैंट मेरी है। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद में हम लोग एक बहुत ही खास जगह पर आए जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखी थी। फेसबुक ग्रुप्स पे लोग पोस्ट करते थे तो दिखी, सारे फूड ट्रक्स खुले हुए। हम लोग जा रहे हैं जलेबी स्ट्रीट। जलेबी है, रबड़ी खत्म हो गया है, पर घेवर घेवर नहीं। हम लोगों के यहाँ पे माधुरी और भास्कर भी मिल गए, डेट कर रहे थे, डेट मना रहे थे। तो इस तरफ बाकी भी है फूड ट्रक्स है, मेक्सिकन फूड ट्रक है और भी है, लेकिन सबसे ज्यादा लाइन इधर इंडियन मिल रहा है वहीं पर है। अब माधुरी मेन्यू में क्या क्या है? आलू कचौड़ी। कैसा लग रहा है भास्कर? फिर भास्कर हम लोग कुछ नहीं लेते, भास्कर का पूरा चेहरा उतर गया सुनते। Very amazing food. If you are in love with kachori, then this is the place you should come. Do you agree with that? I don't know. बहुत ही सही टेस्ट था कचौरी का, बट सुरभि वाज नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर क्वांटिटी। सुपर एक्सपेंसिव टेस्ट, एकदम ऑथेंटिक था, थोड़ी महंगी है, लेकिन $7 में दो पीस कचौरी और क्या था $6 में चार पीस पतली पतली सी जलेबी, जबली बोल रहा था जबली एंड जलेबी विथ रबड़ी वॉज $10। आई थिंक वो उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, कहीं नहीं मिलती है कचौरी, कहीं नहीं मिलती जलेबी बनाई हुई आपके सामने। दैट्स हिज ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, मतलब डब्बे के डब्बे। तुमको बर्प करना है तो कर दो, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। जलेबी और कचौरी से मन ना भरने के बाद सुरभि आ गई है इन एंड आउट में। टोपी क्यों पहनते हो, क्या देते उनको? लास्ट वीक मुझे सिर्फ आटा लगाने की ड्यूटी मिली थी। आई थिंक मैंने इतना सही परफॉर्म किया उस टास्क में कि आज मेरा प्रमोशन हुआ है, रोटी भी मुझे बनानी है। लुक एट दिस, कितनी मस्त फूली है। ओहो हो, क्या हमारे शो के जज पधार चुके हैं। तो आपका शेप के बारे में क्या कहना है सुरभि जी? शेप के लिए कितने मार्क्स? जैसी मैं बनाती हूँ ना उतने मार्क्स। सुरभि इज डूइंग द मोर डिफिकल्ट टास्क, पापड़ सेकने का। थैंक यू मास्टर शेफ। ये फोल्ड वाला स्किल दिखाओ ना, तुम जो फोल्ड करती हो एंड में, फिर पापड़ जल जाता है, आग भड़कते हुए आग निकलती है उसमें से। गाइस सुशांत इज बैक। आज इससे वैसे मिलने की कुछ इच्छा नहीं थी, बट ये हम लोगों को डेजर्ट खिलाने लेकर आया है यमी यूमी योगर्ट नाम की जगह पे। ये क्या है ये साइन? हल्दीराम में मिलती थी ऐसी सॉफ्टी, 6 रुपए की सॉफ्टी मिलती थी, वो है क्रीम कॉर्नर में खाते थे सॉफ्टी, अर्जुन से पैसे मांग मांग के। Peanut butter Kit Kat। तो कितनी बार आया है यहाँ पे? एक बार। आज वाला वीडियो कैसा लगा था जिसमें तू फीचर हुआ था? एक नंबर। आज गाड़ी मत ले, बहुत लोग ने पूछ लिया, बोले उधर काम करता है ये क्यों चलाता है वो। सॉरी शक्तिमान। चीयर्स। रूबी का गिफ्ट दिखा, क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से? उसी का गिफ्ट उसी को वापस। क्या ये ना बो है ना बो, कितने महीने से अपने पास पहन के भी दिखाना है क्या तेरे को? बाल है कितने? वो पिछली बार गाड़ी में उड़ गए थे। पैसे भेज दूंगा, मेरे को पता है तू स्प्लिट वाइज पे डालेगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ब्रोस चैनल। मजाक में फ्राइडे भी हो गया, इस हफ्ते ज्यादा कुछ किया नहीं ऐसा एक्साइटिंग, बट अभी कल से बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं दुनिया के, शायद दुनिया के सबसे पुराने नेशनल पार्क में, येलोस्टोन नेशनल पार्क। पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली, कोई भी नहीं है। सील कोड प्रोजेक्ट, व्हीकल्स विल रिमेनिंग इन वर्क एरिया विल बी टोड एट ओनर्स एक्सपेंस। रेंट भी हमने भरने का, गाड़ी के पैसे भी हमने भरने के, फिर आप एक दिन गाड़ी लेकर चले जाओ वो लाने के भी पैसे हमने भरने के, बड़ी ना इंसाफी है। वर्क वीक इज डन। 20-25 मिनट लग गए थे पार्किंग ढूंढने में। ये वाले शूज लिए थे लास्ट वीडियो में, देखा होगा, वो भी रिटर्न करने और सुरभि ने ये वाले खरीदे थे, उसको भी पसंद नहीं। इतनी ज्यादा भीड़ है फिर से, नेक्स्ट लेवल मैडनेस। यार मुझे लगा पिछला वाला वीडियो देख के कॉस्टको वाले बोलेंगे कि आज का सामान तेरे लिए फ्री, क्योंकि तूने पिछले हफ्ते हमारे 2 कार्ट्स की जान बचाई, बीच रास्ते में फेंक दिए थे, कोई उनका ख्याल नहीं रखने वाला था। पर कोई कदर ही नहीं है यार। फिर बाहर पार्क किया तो गाड़ी टो जाएगी,
दिस कार विल बी इनसाइड। हम लोगों को कल सुबह 4 बजे तो भी घर से निकलना पड़ेगा, इसलिए वो वाली कार अंदर डाली और दूसरी कार से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट के पास में बहुत ही सस्ती वाली पार्किंग ढूंढी है जहाँ पे वी विल पार्क आवर कार, क्योंकि उबर और लिफ्ट में जितना पैसा लगेगा टू एंड फ्रो उतना ही वो पार्किंग में भी लगेगा। जाने में अभी 12 घंटे कुछ बचे हैं, पर सुरभि की तैयारी देखो, आज भी रात को मिसर पाव की तैयारी कर रही है। तुम्हारे जज्बे को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ रोडीज। ए दिस इज द तर्री। ऑल द मिसल लवर्स इन द हाउस प्लीज लाइक द वीडियो। मेरे को कॉस्को से आने में लेट हो रहा था, सुरभि फुल गुस्से में। फिर मैंने कुछ ऐसा लेकर आया उसके लिए जो देखकर उसका दिल पिघल गया। एक चीज लाने भेजी थी मैंने, ये कर ली, आलू की सब्जी बना ली, वो मिसल पाव की पूरी तैयारी कर ली, पराठे बना के रख दिए, बर्तन धो दिए। मैंने सुरभि के लिए समोसे लेकर आया। एक्सप्रेशन चेंज हो गया था कि नहीं हुआ था? ये कब के लिए रहेगा अपने खाने के लिए? लंच डिनर। मैं जाता हूँ पैकिंग करने के लिए। मैंने कुछ भी पैकिंग नहीं किया, सुरभि का फुल सेट है सब मामला। जय माता दी। दिस शॉट इज मैंडेटरी। ऐसे आप सूटकेस को पहले बंद करते हो फिर खोलते हो। वाओ। मैं अभी पैकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आफ्टर पैकिंग आई हैव टू ये वीडियो एडिट करके अपलोड करना है। कल से हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक सेपरेट वीडियोज ऑफ आवर ट्रिप। लाइक हर दिन का एक वीडियो नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क की ट्रिप की थी तब रोज वीडियोज बनाए थे एंड दोज वीडियोज डिडंट डू दैट वेल, सो आई विल जस्ट फॉलो द सेम वीकली रैप वीडियो वाला स्टाइल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर देना, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीकली रैप वीडियो। एनीवे इंस्टाग्राम पे आ जाना, हियर इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। मैं ट्रिप की रील्स स्टोरीज सब इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहूंगा। आई विल सी यू देयर।